तो हाय गाइस, माय नेम इज सुनील एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एसएनसी मोटो व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे सारे भाई लोग। तो भाई अभी बज रहे हैं लगभग 10 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट भाई 10 बजे से ऊपर ही टाइम हो गया। एंड 7 बजे लॉग इन किया था, अभी 10 बज रहे हैं तो लगभग भाई 3 घंटे हो गए लॉग इन किए हुए। लगभग भाई 11 से 12 बजे तक काम करने वाला दोनों टाइम रहेगा, और भाई अगर ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो फिर 11 बजे तक ही काम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल भाई आज जो है मंगलवार है और जन्माष्टमी का दिन भी है, तो भाई बहुत कम ऑर्डर मिल रहे हैं, बहुत कम लो ऑर्डर है भाई। मतलब ये मान के चलो कि आधा घंटे में एक एक घंटे में एक एक ऑर्डर लग रहा है मेरे। तो भाई जब शुरुआत में आया था, लॉगिन किया था, उस वक्त तो भाई ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा लग चुके थे। 7 ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर दिए भाई, छोटे छोटे ऑर्डर थे। अभी भाई ऑर्डर बिल्कुल कम हो गए, बिल्कुल लो हो गए। तो बहुत सारे लोगों का भाई आज टारगेट भी डन नहीं हुआ क्योंकि ऑर्डर है ही नहीं भाई, ठीक है। तो अभी भाई मेरा कितना ऑर्डर हो जाएंगे, लास्ट में कितनी अर्निंग हो जाएगी वो मैं आप लोगों को एंड में बता दूंगा। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। आज तारीख कितनी हो रही है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, आज है भाई 26 अगस्त 2024, ठीक है। तो अभी एंड में आप लोगों को बताऊंगा मेरी अर्निंग कितनी होती है। 7 ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर दिए, ऑलमोस्ट भाई 312 रुपये की मेरी अर्निंग हो चुकी है। 312 ऐसे हो रहे हैं कि भाई दिन में मैंने जो काम किया था भाई 12 बजे से लेकर लगभग 2:30 बजे तक लॉग इन जाता, 2 ऑर्डर लगे थे उसमें 120 रुपये की अर्निंग हुई, ठीक है। वो 120 रुपये मिला के भाई 312 रुपये हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं 2:30 बजे वापस चला गया क्योंकि ऑर्डर बहुत कम थे, 4 बजे तक करने की प्लानिंग थी, उसके बाद 7 से 12 करने की प्लानिंग थी, लेकिन भाई उसमें क्या ऑर्डर मिले नहीं भाई, 2 ऑर्डर ही मिले 2.5 घंटों में। तो फिर भाई थक गया मैं बैठे बैठे ऑर्डर का इंतजार कर करके, उसके बाद भाई मैं चला गया था घर पर। अभी देखते भाई हमारा जो टारगेट है वो कितना डन हो पाता है, ठीक है ना। तो 6 ऑर्डर का टारगेट है, वैसे 6 ऑर्डर तो मैंने कंप्लीट कर दिया और इंसेंटिव का टारगेट डन हो जाएगा, 1 घंटा और लॉगिन रहूँगा। तो बाकी यार जो अर्निंग का टोटल टारगेट रहता है वो कितना रहता है वो एंड में आप लोगों को बता दूंगा आज का, ठीक है ना। तो बाकी आगे आने वाले वीडियोस में भाई मैं वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लगातार मैं 1 महीने से काम कर रहा हूँ जोमेटो के अंदर, तो 1 महीने में मैंने कितना कमाया और 1 हफ्ते में मैंने कितना कमाया, हर एक टॉपिक पर वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड कुछ मेरे साथ फ्रॉड भी हुआ था कस्टमर के द्वारा, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी इन चीज़ों से सचेत रहे और पहले से ही मतलब जो प्लानिंग है जो मैं आप लोगों को बताऊँगा चीज़ें उसके हिसाब से भाई कदम उठा सके, ठीक है ना। तो बाकी यार चलो मिलते हैं आप लोगों से एंड में। तो गाइस कल शाम को जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था उस वक्त मेरे ऑर्डर हो चुके थे, ऑर्डर अर्निंग भाई 312 रुपये हो चुकी थी। और उसके बाद जब मैंने आप लोगों से बात किया था एंड उसके बाद भाई मैंने 2 ऑर्डर और कंप्लीट किए 11:30 बजे, फिर ऑफलाइन कर दिया भाई 11:40 पे। एक ऑर्डर आया था मेरे पास 10 किलोमीटर का, वो भाई काफ़ी ज़्यादा आउटसाइड का था हमारे जोन से। तो फिर भाई मैं गया रेस्टोरेंट पर, वहाँ पर कस्टमर का लोकेशन कन्फर्म किया एंड देखा कि भाई कहाँ का लोकेशन है। तो भाई उसको देखने के बाद फिर मैंने भाई रेस्टोरेंट भी डिले कर रहा था और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। मेरा टारगेट था कि भाई 12 बजे तक हम जो है फ्री हो जाएंगे, बट वो ऑर्डर भाई 10 से 11 किलोमीटर का था। तो फिर मैंने उस ऑर्डर को डिनाइल कर दिया क्योंकि 1 से 2 ऑर्डर डिनाइल कर सकते हैं, अगर आप फुल डे करते हैं तो पार्ट टाइम करते हैं तो 1 ऑर्डर डिनाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करिए कि भाई आप एक भी डिनाइल ना करें, सारे के सारे ऑर्डर कंप्लीट करें ताकि आपकी रेटिंग पे और भाई आपका जो मेडल है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। बाकी भाई अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर चल के भाई जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन के अंदर चल के आप लोगों को दिखाता हूँ मेरी अर्निंग कितनी हुई कल शाम की, ठीक है। तो अभी जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन को यहाँ से करते हैं ओपन एंड गाइस अभी भुगतान के अंदर चलते हैं। आज भी मैंने काम किया था लगभग 12 बजे से लेकर 4 बजे तक काम किया, अभी 6:08 हो रहा है तो अभी 7 बजे वापस जाऊँगा भाई, ठीक है। तो 197 रुपये की अर्निंग हुई 5 ऑर्डर में। तो भाई आज ऑर्डर बहुत ज़्यादा वीक थे भाई, बहुत कम आ रहे थे ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर भाई आधा आधा घंटे में एक ही घंटे में मिल रहे थे, बहुत मुश्किल से भाई 5 ऑर्डर भी कंप्लीट हुए, ठीक है। तो अभी मैं कल की अर्निंग बताता हूँ, कल भी ऑर्डर कम थे, पता नहीं इस महीने में बहुत कम ऑर्डर रहने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि इस महीने में भाई जो बाबा का मेला चल रहा है भाद्रपद महीना चल रहा है, तो भाई तो नॉनवेज वगैरह भाई कस्टमर खाते नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। तो इस वजह से भाई जो ऑर्डर है नॉनवेज वाले वो बहुत कम जा रहे हैं और साथ साथ में भाई कस्टमर भी जो है रेस्टोरेंट से ऑर्डर मंगवा नहीं रहे, कम मंगा रहे, बहुत कम, ठीक है। तो चलिए अभी मैं कल का दिखाता हूँ अर्निंग, कल 27 तारीख थी, आज 28 तारीख है, तो 197 रुपये की अर्निंग हुई है। तो कल की मेरी अर्निंग आप लोग देख सकते हो भाई, 225 रुपये का शाम का इंसेंटिव था, फुल डे का इंसेंटिव 375 रुपये थे, पर ले नहीं पाया क्योंकि ऑर्डर बहुत कम थे भाई और मैं 2.5 घंटे लॉग इन था, 2.5 घंटों में सिर्फ मेरे को 2 ऑर्डर ही मिले, ठीक है, 3 बजे तक। एंड उसके बाद भाई मैं वापस घर पे आ गया, फिर मैंने कहा यार ऑर्डर मिलेगा नहीं और टारगेट भी कंप्लीट नहीं होगा, फिर फालतू ही टाइम के ऊपर बात करें वहाँ, ठीक है। कस्टमर ने 50 रुपये टिप दिया, 225 रुपये का इंसेंटिव, 1 बारिश का ऑर्डर लगा था जिसमें भाई 18 रुपये का रेन चार्ज मिल गया, 368 रुपये की मेरी अर्निंग हुई है। टोटल 11 ऑर्डर कंप्लीट किया मैंने एंड ये टाइमिंग भाई यहाँ पे 4.5 आवर्स बता रहे हैं, लेकिन 2.5 घंटे पहले लॉगिन हो गया, ठीक है। 2:30 बजे तक किया, 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक काम पहले कर लिया दिन में एंड फिर भाई 7 बजे से लेकर 12 बजे तक शाम को कर दिया, ठीक है। 5 और 2.5 ये लगभग भाई हो गया अपना 7.5-8 घंटे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो अर्निंग हुई है 661 रुपये टोटल हो रही है, ठीक है। तो कल की अर्निंग तो हमारी ये थी, आज की अर्निंग भाई हमारी आप लोग देख सकते हो 197 रुपये हुई है। शाम को देखते हैं भाई कितनी क्या अर्निंग होती है, ये अगले दिन आप लोगों को इस वीडियो के आगे वाला वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा भाई, आज जो हमारी अर्निंग होने वाली है वो कितनी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा भाई, वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।